दुनिया के हरेक जीव जंतु को रहने के लिए एक घर चाहिए, जिसमें वो चैन से सो सकें, जिसमें वो आराम कर सकें। और उन जीवों में हम इंसान भी हैं। हमें भी घर चाहिए रहने के लिए, परंतु घर ऐसे ही नहीं बन जाता। उसे बनाने के लिए हमें ईंटें, सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि चाहिए, जिसमें कि ईंटें हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी हरेक मैटर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का जरूरत होता है, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम एटम्स कहते हैं, जिसे हिंदी में परमाणु भी कह सकते हैं। इसका मतलब दुनिया के सारे मैटर एटम्स के बने होते हैं, चाहे ये आपका फोन हो या आपका ये घर या ये पृथ्वी या फिर आप खुद ही क्यों ना हो, हरेक चीज एटम्स की बनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एटम्स के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो मैटर यानी पदार्थ होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये बात आज की नहीं, ये बात बहुत पुरानी है। एंशियंट इंडिया और ग्रीस के लोग बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे हैं। और ये जो शब्द है एटम, ये एक ग्रीक का शब्द एटमोस से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, मतलब जिसको और काटा नहीं जा सकता। फिर जाकर 1800 ईस्वी में आए हमारे जॉन डाल्टन, जिन्होंने नोटिस किया कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं टिन ऑक्साइड, जो कि दो तरह का होता है, ब्लैक पाउडर और व्हाइट पाउडर। तो जो ब्लैक पाउडर होता है उसमें 88.1% टिन होता है और 11.9% ऑक्सीजन होता है, और जो व्हाइट पाउडर होता है वह 78.7% टिन होता है और 21.3% ऑक्सीजन होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट वाले केस में था, बल्कि दुनिया का कोई भी टिन ऑक्साइड का ब्लैक और व्हाइट पाउडर सेम ही रेशियो का होता है। मतलब हरेक ब्लैक पाउडर के हरेक 100 ग्राम टिन में 13.5 ग्राम ऑक्सीजन होता है, और व्हाइट पाउडर में हरेक 100 ग्राम टिन में 27 ग्राम ऑक्सीजन होता है। और अगर 13.5 और 27 को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि व्हाइट पाउडर में ब्लैक पाउडर के मुकाबले दुगना ऑक्सीजन है। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि टिन ऑक्साइड मॉलिक्यूल में हमेशा एक नहीं तो दो ऑक्सीजन एटम होते ही हैं। सिमिलरली उन्होंने नाइट्रोजन के केस में भी पाया। अब हम पहुंचते हैं साल 1897 में, जहां जे थॉमसन ने पाया कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बल्कि पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम से 1800 गुना हल्का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस हाइड्रोजन एटम को दुनिया का सबसे छोटा इकाई माना जा रहा था, वह सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है बल्कि उससे भी छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने इस न्यू पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। परंतु जे थॉमसन को ये लगता था कि एटम के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही बिखरा हुआ होता है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा। परंतु जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल में एक दिक्कत आ रहा था। जब अर्नस्ट रदरफोर्ड और उनके कलीग्स अल्फा पार्टिकल्स के चार्ज टू द मास रेशियो को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो क्या हो रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स हवा में ही डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, और सेम इसी तरह का प्रॉब्लम जे थॉमसन के साथ भी हो रहा था जब वह कैथोड रे पे काम कर रहे थे। तो जरूर हवा में डेंसली चार्ज्ड पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद है, तभी तो वह अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट कर पा रहे थे। तो रदरफोर्ड और उनके कलीग गन जुट गए जांच पड़ताल में, और पाया कि जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल गलत है, क्योंकि
प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार एटम में चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स उतना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सके। तब जाकर रदरफोर्ड जी ने कहा कि एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है और उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस का खोज हुआ और आगे चल के एटम्स के बारे में बहुत सारे खोज हुए और बदलाव भी हुए, जैसे कि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट और एटम के स्टेबिलिटी के बारे में खोज किया। फिर आगे चलकर जेम्स चैडविक ने आइसोटोप के स्टडी के दौरान न्यूट्रॉन का खोज किया और भी बहुत सारी खोजें हो रही है। तो अब जरा हम हिस्ट्री से बाहर निकलकर एटम्स और उनके प्रॉपर्टीज को थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एटम्स मैटर के सबसे छोटी इकाई होते हैं जो कि एक केमिकल एलिमेंट को बनाता है। और अब बात करें कि ये कितना छोटा होता है, तो ये करीब करीब 100 पिकोमीटर इतना छोटा होता है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 अरब पिकोमीटर होता है। मतलब अगर 10 करोड़ एटम्स को एक लाइन से अरेंज कर दें, तो वह लाइन 1 सेंटीमीटर की होगी। अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उससे बंधा हुआ कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। बंधा हुआ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बंधा हुआ। और वही जो न्यूक्लियस होता है उसमें कम से कम एक प्रोटॉन और बाकी का न्यूट्रॉन होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। मतलब अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर 6 होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स को दर्शाता है। अब आइसोटोप्स क्या होता है? एक्चुअली आइसोटोप्स को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि किसी एलिमेंट का नाम उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हुआ तो हाइड्रोजन एटम, 2 हुआ तो हीलियम और 3 हुआ तो लिथियम, और इसी तरह से 118 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं और हर एक का नाम अलग अलग है। परंतु आइसोटोप्स किसी एलिमेंट का दूसरा रूप होता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हाइड्रोजन कॉमनली पाया जाता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और उसको प्रोटियम कहते हैं। और जो इसका दूसरा रूप है उसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, तो उसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और जो तीसरा टाइप का हाइड्रोजन पाया जाता है उसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो उसको हम ट्रिटियम कहते हैं। पर चिंता मत करिए, हर एक एटम के आइसोटोप्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ एटम्स के आइसोटोप पाए जाते हैं। और बात रहा भारी भरकम नाम का, तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के आइसोटोप्स के ही इस तरह के नाम होते हैं। बाकियों के नाम के आगे मास नंबर लग जाता है। जैसे कि कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जहां पे 12, 13 और 14 मास नंबर है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन का मास तो हुआ ही, अब अगर 6 न्यूट्रॉन है तो टोटल 12, और अगर 7 न्यूट्रॉन है तो टोटल 13, और अगर 8 न्यूट्रॉन है तो टोटल 14 मास नंबर होगा। तो आशा करता हूँ आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब एटम्स के 99.4% से भी ज्यादा मास एटम्स के न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत हैवी होते हैं। कितना हैवी वो आप खुद स्क्रीन पे देख लीजिए। खैर, एटम्स में बहुत कुछ अभी भी बाकी है जानने के लिए, और हमारा ये वीडियो लंबा भी होता चला जा रहा है और बहुत कुछ बाकी है कवर करने के लिए, तो हम इसके आगे का पार्ट 2 में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी टर्म किसी को समझ नहीं आया तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही पार्ट 2 भी रिलीज होगा। धन्यवाद।